तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। हमें दिखाया जाता है कि उस ऑर्फनेज के अंदर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, तभी उनमें से एक बच्चा लिन को देखता है और कहता है कि बड़े भैया आप यहाँ पर। तभी सारे बच्चे लिन को देखने लगते हैं, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वह सब दौड़ कर लिन के पास जाने लगते हैं। फिर मिस्टर जे जो लिन के साथ खड़ी होती हैं वो उन सभी बच्चों से कहती हैं कि तुम सब कितने ज़्यादा प्यारे हो, मैं तुम्हारे लिए काफ़ी सारे गिफ्ट लाई हूँ। जिसके बाद वो सब कहते हैं थैंक यू सिस्टर, सच में आप बहुत ज़्यादा ही अच्छी हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर जे उन सभी को गिफ्ट देने लगती हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं गिफ्ट देते हुए उन सभी को। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दो पर्सन लिन को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद वहाँ पर खड़ी हुई बूढ़ी औरत, ये वही पर्सन है जो लिन की टेक केयर करती थी ऑर्फनेज के अंदर। जिसके बाद वह लिन को देख कर कहती है कि लिन आखिरकार तुम यहाँ पर काफ़ी जल्दी आ गए, और आखिरकार तुमने मुझे बताया कि नहीं जब तुम यहाँ पर आ रहे थे। अगर तुम यहाँ पर आ ही रहे थे तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, शायद मैं इससे तुम्हारे लिए कुछ अच्छा डिलीशियस फूड बना सकती थी जो तुम खाना पसंद करते हो। जिसके बाद लिन उन दोनों से कहता है कि वैसे मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको बिना बताए ही चुपके से चला आया। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वह बूढ़ी औरत मिस्टर जे को देखने लगती हैं जो बच्चों को अभी भी गिफ्ट बांट रही होती है। जिसके बाद वह बूढ़ी औरत लिन से कहती है धीरे से कि आखिरकार अभी अभी मैं इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हूँ, और इसके अलावा आज मैं सोच रही थी कि मैं तुमसे अर्जेंटली किसी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के बारे में कहूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ पर आओगे तो तुम मुझे इतना बड़ा सरप्राइज़ दे दोगे कि तुम्हारे पास पहले से ही एक है। तुम्हारे इस चुपके से आने वाले सरप्राइज से ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ही सरप्राइजिंग है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि मिस्टर जी गिफ्ट बांटने के बाद उन दोनों के पास जाती हैं और कहती हैं कि हेलो आंटी और अंकल, वैसे मेरा नाम क्विंगयान है, मुझे आप दोनों से मिलकर बहुत ज़्यादा ही खुशी हुई। जिसके बाद लिन की आंट मिस्टर जी का हाथ पकड़ते हुए कहती हैं कि तुम सच में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिखाई देती हो, और इसके अलावा अब से तुम्हें कुछ लाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है और तुम जब चाहो यहाँ पर आ सकती हो। वैसे भी अब से तो हम एक परिवार ही बनने वाले हैं, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर कुछ ले आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जिसके बाद लिन की आंट लिन के अंकल से कहती है कि एल्डर जाओ, आपको उन बच्चों के साथ चीज़ों को और अच्छे से साझा करना चाहिए, इसके अलावा मुझे लगता है कि आपको पहले उन्हें घर के अंदर ले जाना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा सही रहेगा। तभी अंकल जाओ कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। जिसके बाद वो आंटी को बुलाते हुए कहते हैं कि चियू पिंग जरा इधर तो आना, यहाँ देखो मुझे लगता है कि निग ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पर आ गई है। जिसके बाद आंटियाँ सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं और वो जाओ से कहती हैं कि क्या तुम सच कह रहे हो, अगर तुम सच कह रहे हो तो ये तो बहुत ज़्यादा ही बड़े इत्तेफाक की बात है, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि वह दोनों एक ही साथ यहाँ पर आएंगे और वो भी अपने पार्टनर के साथ, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। जिसके बाद मिस्टर जे लिन से पूछती हैं कि आखिरकार ये निगिये कौन है। जिसके बाद लिन कहता है कि वैसे इसका पूरा नाम गिव निगिये है, और इसके अलावा मुझे याद है कि ये भी मेरी तरह ही ऑर्फनेज के अंदर बाहर से आई थी, और इसके अलावा हम दोनों अलग अलग कॉलेज बचपन में जाया करते थे। अगर मुझे सही से याद है तो वो यांग चैन में जाया करती थी और मैं जोंग हाई कॉलेज में जाया करता था। जिसके बाद लिन मिस्टर जे से कहता है वैसे कैसा रहेगा कि हम दोनों एक साथ चलकर ही उसे क्यों ना देख लें। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उस लड़की को जिसका नाम ग्यू निकिये है, वह एक पीली सी ड्रेस में आई होती है और उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड होता है जिसके पास एक बहुत अच्छी कार है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ग्यू ऑर्फनेज के सभी बच्चों को देख कर काफ़ी ज़्यादा ही खुश दिख रही होती है। जिसके बाद वह उन सभी बच्चों से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए इस बैग के अंदर काफ़ी डिलीशियस फूड लाई हूँ, क्या तुम सब इसे खाना चाहोगे। जिसके बाद वो सब बच्चे यह सुनकर काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसमें से कुछ बच्चे उसके बॉयफ्रेंड की कार को देखने लगते हैं, तभी एक बच्चा उसके बॉयफ्रेंड की कार को टच करने लगता है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद वह उन बच्चों को डांटने लगता है, कहता है गुस्से में कि तुम लोग मेरी BMW कार से दूर हो जाओ, अगर ये तुम्हारे छूने से गंदी हो गई तो तुम्हें पता है कि मुझे इसके बाद इसे दोबारा से पेंट कराना होगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जितना हो सके इससे दूर रहो। उसकी इन हरकतों से वह दोनों बच्चे उससे काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ग्यू लिन को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और लिन से कहती है कि आप वापस आ गए यहाँ पर।
जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गिव लिन को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि ब्रदर आप यहाँ पर वापस आ गए। जिसके बाद गिव लिन के पास खड़ी हुई मिस्टर जे को देखने लगती है और कहती है कि वैसे ये आपकी गर्लफ्रेंड है क्या, आप मुझे इससे नहीं मिलवाने वाले। जिसके बाद मिस्टर जे गिव से कहती हैं कि हेलो, वैसे मेरा नाम क्विंगियन है और लिन तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ मुझे बताता था और फाइनली आज के दिन मैं तुमसे मिल रही हूँ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गिव मिस्टर जे का हाथ पकड़ती है और मिस्टर जे से कहती है कि मिस आप तो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत हैं, मेरा भाई बहुत लकी है और इसके अलावा मुझे लगता है कि आपको इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गिव का बॉयफ्रेंड मिस्टर जे को देख कर शर्माने लगता है और मिस्टर जे की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है कि मिस आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं गिव का बॉयफ्रेंड हूँ, मेरा नाम वेंग टाओ है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लिन वेंग टाओ के हाथ को पीछे की तरफ ढकेलता है और फिर मिस्टर जे के आगे खड़ा हो जाता है और वेंग टाओ से कहता है कि तुम्हें ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है और वैसे भी तुम एक आउटसाइडर हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वेंग टाओ लिन की इस हरकत से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने मन में कहता है कि आखिरकार उसके पास फादर नहीं है लेकिन उसके पास इतना अच्छा एटीट्यूड है, वो इतना ज़्यादा एटीट्यूड लाता कहाँ से, अब इसे इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ही पछताना पड़ेगा। जिसके बाद वेंग टाओ लिन से कहता है कि वैसे भी मैं इस चीज़ को भूल जाता हूँ और मैं अभी इस आश्रम को 1,00,000 यान का डोनेशन देने वाला हूँ। वैसे जिसके बाद तभी वहाँ पर आंट आ जाती हैं और उन दोनों को रोकने लगती हैं और कहती हैं कि तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो और वैसे भी तुमने पहले ही बहुत कुछ ले आया है यहाँ पर और अब तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लिन उनके कंधों को दबाते हुए उनसे हंसकर कहता है कि मॉम आप उसे प्लीज़ डोनेशन देने दीजिए, वैसे भी मुझे पता है कि मच्छर के पैर काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा मांस तो होता ही है। जिसके बाद आंट लिन से कहती हैं कि आखिरकार ये तुम क्या बकवास कह रहे हो। जिसके बाद वेंग टाओ लिन से कहता है कि वैसे लिन क्या तुम जोंघाई में थोड़े पैसे कमा भी लेते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम ज़्यादा कमाते होगे, वैसे क्या तुम यहाँ पर थोड़ा सा दान भी करने वाले हो या फिर नहीं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लिन अपना फ़ोन निकालता है और उसमें कुछ देखते हुए कहता है तो फाइनली चलो तो ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पर 100 मिलियन यान डोनेट कर दूँ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वेंग टाओ लिन की बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और लिन से कहता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, क्या तुम डोनेट करने वाले हो 100 मिलियन यान, क्या तुम्हें सच में लगता भी है कि तुम इतना डोनेट कर पाओगे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वेंग लिन से हंसते हुए कहता है कि वैसे मुझे लगता है कि तुम बस मेरे से चिढ़ गए हो और इसके अलावा मुझे लगता है कि तुम इतना ज़्यादा चिढ़ गए हो कि अब तुम अंधेरे में जा रहे हो, इसीलिए वैसे भी तुम 100 मिलियन यान तो कभी डोनेट कर ही नहीं सकते, बस इसके सपने देखो। जिसके बाद आंट लिन से कहती हैं कि वैसे मुझे लगता है कि तुम लोगों को अभी रुकना बहुत मुश्किल है लेकिन शायद हम बात को बदल कर दूसरी बातें भी तो कर सकते हैं, चलो पहले हम लोग चलकर कुछ खा लेते हैं, आज मैंने बहुत अच्छा भोजन बनाया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वेंग टाओ लिन को उकसाने लगता है और कहता है कि अगर तुम एक ऑनलाइन ड्राइवर होने के हैसियत से अगर तुम इतना ज़्यादा डोनेट करने वाले हो तो मैं कहता हूँ कि अगर तुमने इतना डोनेट कर दिया तो उसके बाद मैं उसका 10 गुना ज़्यादा डोनेट करूँगा, तुम्हें पता भी है उसका 10 गुना कितना होता है। जिसके बाद लिन कहता है क्या सच में। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लिन कहीं पर फ़ोन करने लगता है, वैसे मैं गेस नहीं कर सकता कि लिन कहाँ पर फ़ोन कर रहा है क्योंकि उसके पास काफ़ी ज़्यादा ही प्रॉपर्टी है, इसके अलावा अगर वो किसी भी मैनेजर के पास फ़ोन करेगा तो उसे 10 मिलियन आराम से मिल जाएंगे वहाँ से। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लिन का फ़ोन कॉल वो पर्सन उठा लेता है, जिसके बाद लिन उस पर्सन से कहता है कि वैसे मैंने तुम्हें एक कार्ड नंबर भेजा है, तुम उस पर जल्दी से 10 मिलियन लगा दो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लिन की आंट के पास एक मैसेज आता है जो बैंक की तरफ से था, जिसे देखकर आंट काफ़ी ज़्यादा ही शौक हो जाती हैं और वापस हैरानी से उसे देखने लगती हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आंट को वह देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है और वह चक्कर खाकर गिरने लगती हैं, जिसके बाद लिन उन्हें पकड़ने लगता है। जिसके बाद आंट लिन से कहती हैं कि क्या तुम्हें पता है अभी तुमने 10 मिलियन की ट्रांजेक्शन मेरे अकाउंट में की है, क्या तुम्हें पता भी है कि 10 मिलियन कितना ज़्यादा होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वेंग टाओ आंट के हाथ से मोबाइल को छीनते हुए कहता है कि आपको अपनी आंखों को दिखा लेना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि आपने कुछ गलत ही देख लिया होगा, आखिरकार वो बस एक ऑनलाइन ड्राइवर है और इसके अलावा उसके पास इतने पैसे आ ही नहीं सकते, तो आप कैसे कह सकती हैं कि आपके अकाउंट में 10 मिलियन ही ट्रांजैक्शन हुई है, मुझे देखने दीजिए।
वैसे मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर दीजिएगा, मैं इतनी देर से 10 मिलियन कह रहा था, वो दरअसल 100 मिलियंस हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वेंग टाओ उस बैंक के मैसेज को देखकर काफ़ी हैरान होता है और वह सोचने लगता है कि आखिरकार इसने ये कर कैसे दिया। वैसे ये हैरान होने वाली बात ही है क्योंकि उसने इसका 10 गुना देने की बात कही थी, जिसके लिए शायद ये अपने घर बार के साथ जोंगहाई को भी गिरवी रखेगा तो भी इसके पास इतने पैसे नहीं आने वाले। और अगर गलती से इसके पास आ भी जाते हैं तो इसके लिए उन पैसों को किसी ऑर्फनेज में डोनेट करना बिल्कुल मरने की तरह होगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वेंग टाओ बार बार मोबाइल की स्क्रीन पर टैप करने लगता है कि कहीं मोबाइल में किसी गड़बड़ी की वजह से 1 आध 0 बढ़ तो नहीं गया। जिसके बाद लिन वेंग टाओ से कहता है कि वैसे मैंने तो पैसे ट्रांसफ़र कर दिए और अपना वादा कम्प्लीट किया, अब तुम्हारी बारी है, तो चलो तुम इसका 10 गुना जल्दी से इस ऑर्फनेज को डोनेट करो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर जे एक गहरी सांस लेते हुए कहती हैं कि यह पर्सन ये हमेशा दूसरों को ऐसी चीजें कहने के लिए मजबूर करता है जो वह कभी ना कर पाए, और इसके अलावा उसने ऐसा मेरे साथ कई बार किया है और कई बार मुझसे कई सारे प्रोमिसेस भी करवाए हैं अजीब अजीब। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वेंग टाओ को जो अभी भी हैरान होता है और सोच रहा होता है कि आखिरकार मैंने अपने मुंह से क्या कह दिया, मन तो कर रहा है कि मैं इस वक्त अपने ही मुंह पर एक थप्पड़ लगा लूं, आखिरकार मैंने ये सब क्या कर दिया है। जिसके बाद ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। वैसे अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो को जल्दी से अपलोड करूं, तो इसके लिए मेरे चैनल के ऊपर 3 सब्सक्राइबर्स और बढ़ा दीजिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी वीडियो को तुरंत उसके बाद अपलोड कर दूंगा।